नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि, जो कि मार्च के महीने में पड़ने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह पूर्ण हो जाती है अगर जो मैं इस वीडियो में आपको वह उपाय बता देता हूं और आप उसे उपाय को इस माध्यम से कर लेते हो, तो मन कर चलिए आपका जीवन बदलने की ताकत रखती है। क्योंकि दोस्तों, आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि जो भगवान भोलेनाथ होते हैं, यह सभी देवों से ऊपर होते हैं। दोस्तों, आपको बता दे कि आप अगर जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वह कर लेते हो, तो मन कर चलिए आपका जीवन तो बादल की जाएगा, साथ में लाखों और करोड़ों व्यक्तियों का जीवन भी बदल सकता है। दोस्तों, आपको बता दे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी गलतियाँ भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप इन गलतियों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हो और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हो, तो मन कर चलिए आपका जीवन बदल ना तय है। दोस्तों, आपको बता दे कि 2024 की महाशिवरात्रि ऐसी शिवरात्रि अभी तक 12 वर्षों के बाद ही आई है। दोस्त, तो आपको बता दे कि इस शिवरात्रि पर किया गया हर एक उपाय, हर एक मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए पर आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको शिवरात्रि के दिन खा लेना एक चीज। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवरात्रि के दिन आपको एक ऐसी चीज खा लेना है जिसको खाने के बाद आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह तुरंत ही पूर्ण हो सकती है। पर आपको इसके लिए महायोग भी चैनल की इस वीडियो को संपूर्ण देखना होगा। दोस्तों, हम बारी बारी से सभी जानकारी को जानते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और कौन कौन सी हमें गलती भूल कर भी नहीं करना है। इसके बाद हम जानेंगे कौन सा उपाय करने मात्र से ही हमारा जीवन बदल सकता है। इसके बाद जानेंगे कि हमें कौन सी उपाय करनी चाहिए। और उसके बाद हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे खाने का लेने मात्र से हर एक मनोकामना 1 से 2 दिन में ही पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं सौगंध खाता हूँ कि आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे बताना। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि कब है। महाशिवरात्रि 2024 फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर साल भोलेनाथ के भक्तों को महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। महाशिवरात्रि शिव पूजा के लिए श्रेष्ठ दिन माना गया है। ये शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। आइए जानते हैं अगले साल 2024 में महाशिवरात्रि की डेट, पूजा मुहूर्त। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन सुबह से लेकर रात्रि जागरण कर शिव पूजा का विधान है। दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि 8 मार्च 2024 को रात 09:57 से शुरू होगी और अगले दिन 9 मार्च 2024 को शाम 06:17 पर समाप्त होगी। चूंकि शिवरात्रि की पूजा रात में होती है, इसलिए इसमें उद्यातिथि देखना जरूरी नहीं है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व भी है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्यरात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, उतनी ही जल्दी नाराज भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन और पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए।
जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए कुछ भी ना खाएं। व्रत नहीं है तो भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण नहीं करें। दोस्तों, यह गलती आप बोलकर भी मत करना और शिवरात्रि के दिन कोई भी वस्तु को जब तक ना ही चुन और ना ही खाना, चलिए अगला जान लेते हैं। सबसे जरूरी और ध्यान में रखने की बात है कि अगर शिवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और गर्म पानी से शरीर की सारी अशुद्धि दूर करनी चाहिए। नए वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरे कपड़े ही पहने। दोस्तों, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और कोई भी गलती नहीं करना है। शिवरात्रि पर चावल, दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भक्तजनों को फल, दूध, चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तो इसलिए आपको काले कपड़े तो भूल कर भी नहीं पहनी है। ज्यादातर हो सके तो घर में भी आप रहते हैं तो काले कपड़े ना ही पहले तो अच्छा है। ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि वह महादेव ही थे जो नीलकंठ कहलाते हैं, क्योंकि नीलकंठ यह इसलिए कहलाते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो महादेव ने अपने कंठ में विश्व को धारण कर लिया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और कभी कभी महादेव जागृत अवस्था में होते हैं, तो उनसे ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई और आप उनके जो महादेव पर चढ़ाए गए पदार्थ हैं उनको आप खा लेते हो, तो आप उनको सहन नहीं कर पाए तो आपको बीमारी विशेष रूप से जरूर हो सकती है, इसलिए साफ कर कर ही खाएं। अगर आप खाना ही चाहते हैं तो विशेष रूप से उसे पहले पानी से अच्छे से साफ कर ले, उसके बाद आप जरूर महादेव पर चढ़े बेलपत्र या फिर फूल फलहार खा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजनों और आरती गाना चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके और भगवान शिव को तिलक लगाकर तोड़ा जा सकता है। ये चीजें नहीं चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाएं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि पाश्चुरीकृत या पैकेट का दूध इस्तेमाल ना करें और शिवलिंग पर ठंडा दूध ही चढ़ाएं। अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र से करना चाहिए जो सोना, चांदी या कांसे का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा फूल नहीं चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। सामान्यतः शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रती को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए, हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूल कर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल, यह पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह देख लें कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। दोस्तों, ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आप यह तो जानते ही हैं कि यह सर्वज्ञता है और इन संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। दोस्तों, इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ पर भूलकर भी टूटे फूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, बल्कि एक सही चावल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे आप पर, आपके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, गंगा जल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग चार प्रहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए।
शिवरात्रि पर तीन पत्रों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें और डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो टूटे हुए या कटेफते बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के ही फूल ही चढ़ाने चाहिए क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के ही फूल प्रिय हैं। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक न लगाएं। हालांकि भक्तजन माँ पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि हमारे जीवन के तारे ही बदल जाएं। दोस्तों उससे पहले आपसे हम एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताती है, इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट में जरूर छोड़ दें क्योंकि हम विशेष रूप से सभी आपकी मैसेज डाले गए उनका प्रत्येक रूप से रिप्लाई देते हैं, इसलिए आप अपनी राशि जरूर डाल दें क्योंकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों का उपाय भी बताते हैं। आप जान लेते हैं कौन से उपाय हमें महादेव को प्रसन्न करने के लिए जरूर करनी चाहिए और इसके बाद हम बताएंगे कि महादेव को कौन सी एक चीज खिला देने से आपका जीवन भर के लिए बदल सकता है, क्योंकि आप यह तो जाती होगा कि जो महाशिवरात्रि होती है यह साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आती है, तो हम आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं और यह भी जरूर जानें कि महादेव को ऐसी कौन सी एक चीज खिला देने से आपका जीवन बदल सकता है। चलिए इससे पहले पर हम जान लेते हैं कि महादेव के महाशिवरात्रि के दिन कौन से उपाय हमें जरूर करना चाहिए। इस उपाय से पाए धन। महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी, इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। पारद शिवलिंग। महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद पारा शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ती है। नौकरी या व्यापार में तरक्की के लिए यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। उनम शिवाय मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशावतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान। किसी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग यह उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, कुमकुम आदि दें। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। अनाज और धन का दान। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शर्करा का दान भी कर सकते हैं। बेल के पेड़ के नीचे ऐसा करें।
जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं, उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्यों में सफल होते हैं। दोस्तों, हमने आपको बड़ी बड़ी से सभी उपाय अभी तक बता चुके हैं। इसके बाद हम अब बताने वाले हैं वह एक उपाय जो आपको कौन सी चीज खा लेना है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा या फिर आपकी जो मनोकामना है पर एक से दो दिन में ही संपूर्ण हो जाएगी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, मन कर चलिए, महायोग टीवी चैनल ने अभी तक आपने जितनी ज्ञानवर्धक जानकारी बताई है उतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई और नहीं बताया। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा उपाय कर लेना है या कौन सी आपको एक चीज खा लेना है जिससे आपकी मनोकामना एक से दो दिन में ही पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दे कि महादेव पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, फूल धतूरे चढ़ाए जाते हैं, यह तो हम सब जानते हैं, पर आपको यह तो ज्ञात होगा ही कि महादेव पर भांग भी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, महादेव को भांग सबसे ज्यादा प्रिय है। दोस्तों, आपको बता दे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भांग का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, आपको बता दे कि भांग का सेवन आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना है क्योंकि कई लोगों को भांग चढ़ भी जाती है और चढ़ने से वह एक से दो दिन तक लगातार असर भी कर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ी से कम जितनी आपकी क्षमता हो आप भांग का सेवन उतना ही करें। हो सकता है दोस्तों आप पर भांग का असर बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए सबसे कम जितना दाल का एक कंकड़ होता है यानी कि दाल होती है हमारी उसे दाल के बराबर ही आपको भांग का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, जो लोग महाशिवरात्रि के दिन भांग का सेवन कर लेते हैं तो दोस्तों मन कर चलिए उनका जीवन तो बदल ही बदल जाता है, साथ में उनके परिवार का जीवन भी बदल जाता है क्योंकि दोस्तों आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि भगवान भोलेनाथ है क्योंकि भांग का सेवन जरूर करते हैं। इसलिए आपसे महायोग टीवी चैनल का है कहना चाहेगा कि आप भांग का सेवन अवश्य करें क्योंकि भांग महादेव को अति प्रिय है और ऐसा भी माना जाता है कि जो इंसान महाशिवरात्रि के दिन भांग का सेवन करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और धनलक्ष्मी ऐश्वर्या लक्ष्मी की उसे पर डंपर बारिश होती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि महादेव की भांग को अगर एक बार महाशिवरात्रि के दिन हाथ पर लेकर दाल के कंकर के बराबर खा लिया जाए तो आपकी जो मनोकामना है वह तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यह हम नहीं कह रहे बल्कि वेदों और शास्त्रों में भी लिखा है कि आप इस उपाय को करनी मंत्र से ही लाभ होता है। दोस्तों, आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को हर एक भारतीय नागरिक तक पहुँचा जिससे कि उन्हें भी इस छोटी सी जानकारी से उन्हें लाभ की प्राप्ति हो, लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, आपसे महायोग टीवी चैनल वादा करता है कि आपको यह लाभ की प्राप्ति ना हो या जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी उपाय बताए हैं उनसे प्रत्येक इंसान को लाभ हुआ है और हमारे कमेंट में भी आप देख सकते हैं लाखों और करोड़ों कमेंट हमारे YouTube पर डाले हुए हैं जिन पर उन्होंने लोगों ने हमें धन्यवाद दिया है। ते हैं दोस्तों, वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना क्योंकि हम अंत में जो उपाय आपको बताएंगे वह आपकी जीवन बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो का एक भी पाठ आप मिक्स मत करना नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई, उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ।
यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अथ जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। जलाभिषेक जल से और दुग्धाभिषेक दूध से। बहुत जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों, जवान और बूढ़ों का तांता लग जाता है। वे सभी पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा या खजुराहो के शिव सागर में या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में। यह शुद्धि के अनुष्ठान हैं, जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंग स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्त शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर पानी या दूध भी डालते हैं। 8 हालांकि इन सभी अनुष्ठान का वर्णन हमारे पवित्र शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, जिससे यह शास्त्रानुकूल साधना नहीं है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। जलती धूप धन उपज अनाज, दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है, और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं। 10 अभिषेक में निम्न वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल। 11 भगवान शिव की अन्य पारंपरिक पूजा संपादित करें। मुख्य लेख ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग प्रकाश के लिंग जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र हैं। वे स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। 1 सोमनाथ, यह शिवलिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित है। 2 श्री शैल मल्लिकार्जुन मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थापित है श्री शैल मल्लिकार्जुन शिवलिंग। 3 महाकाल, उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग, जहां शिवजी ने दैत्यों का नाश किया था। 4 कारेश्वर, मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदाने देने हुए यहां प्रकट हुए थे शिवजी, जहां ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। 5
नागेश्वर गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 6. बैजनाथ झारखंड के बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग। 7. भीमाशंकर महाराष्ट्र की भीमा नदी के किनारे स्थापित भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। 8. त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में स्थापित ज्योतिर्लिंग। 9. घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप वेसल गांव में स्थापित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। 10. केदारनाथ हिमालय का दुर्गम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हरिद्वार से 150 पर मील दूरी पर स्थित है। 11. काशी विश्वनाथ बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। 12. रामेश्वरम त्रिचनापल्ली मद्रास समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी उपाय किए जाएं महाशिवरात्रि के दिन जिससे हमें लाभ ही लाभ हो और हमारे जीवन में चल रही समस्याओं या आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने का महा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही हौ जूस है भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धानान्मृत्यो मुक्षीय मामृतात् स्वः भुवः भूः सः जूः हौ। मंत्र का जप करते रहें। इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इससे धन की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि 2024 महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात बहुत ही खास होती है। महाशिवरात्रि की रात को कुछ विशेष उपाय को बड़ा ही कारगर माना जाता है। ज्योतिषविद कहते हैं कि ये उपाय करने से जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। आइए आज आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि की रात 5 कौन से चमत्कारी उपाय करने चाहिए शिवलिंग की स्थापना। महाशिवरात्रि की शाम को अपने घर में एक छोटे से पारद शिवलिंग की स्थापना करें। यह शिवलिंग आपके अंगूठे के पहले पोर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसे स्थापित करने के बाद हर पहर में उसकी विधिवत पूजा करें। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। सुहाग सामग्री का दान महाशिवरात्रि पर सांध्यकाल की पूजा के बाद किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग की चीजें दान करना उत्तम माना जाता है। यह एक उपाय करने से सौभाग्य और पति की दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस दान को गुप्त रखें और इसके बारे में किसी को न बताएं।
शिव मंदिर में 11 दिए। यदि आप नौकरी कारोबार से जुड़ी समस्याओं को झेल रहे हैं तो महाशिवरात्रि की रात शिव मंदिर में जाकर 11 दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं खड़े होकर ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करें। आपके समस्याएं जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्वजन्म में रात के समय शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित किया था, इसी वजह से वो अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने।